हेलो प्यारे बच्चों, तो जैसा बेटा हमारी एडवांस की सीरीज चल रही थी, उस एडवांस की सीरीज में एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों। 2015 एडवांस का, कब का है बच्चों? 2015 एडवांस। अब ये क्वेश्चन कैसा है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3। तो बच्चों N2O3 ना, एक मैं आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बता देता हूँ बड़ा आसान तरीके से, लेकिन आपको थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है बेटा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेजोनेंस हाइब्रिड वाली फॉर्म बना दो फाइनल स्ट्रक्चर जो है। तो बच्चों फाइनल स्ट्रक्चर तो ये है, देखो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बच्चों, मैं बना देता हूँ। फाइनल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, इधर देखो तो ये है एन ओ और एन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये एन है बच्चों, है ना, एन ओ एन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी बच्चों एन से डबल बॉन्ड है, आप ऐसे बना सकते हो, चलो इधर बना देता हूँ, है ना, किधर ही बना सकते हो, लीनियर लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड है, ये तो हो गया इसका फाइनल स्ट्रक्चर। अब ये बना कैसे, तो देखो बच्चों यहाँ पे कितने लोन पेयर पहले चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन बच्चों 16th ग्रुप एलिमेंट है, कौन सा है, ऑक्सीजन जो है आपका 16th ग्रुप एलिमेंट है। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमने बना दिए। यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 15th ग्रुप एलिमेंट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे बना दिए, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे बच्चों आ गया ऑक्सीजन 1, 2, 3 और 4, 5 और 6, 2 लोन पेयर यहाँ पर आ गए। नाइट्रोजन के पास फिर से एक लोन पेयर आ गया और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 2 लोन पेयर यहाँ पर आ गए। आपसे फाइनली स्ट्रक्चर में पूछा गया था कि N2O3 के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, ये हमें बता दो टोटल। तो टोटल का मतलब बेटा हो गया ऑक्सीजन का भी लोन पेयर काउंट करना है और नाइट्रोजन का भी लोन पेयर आपको काउंट करना है। तो बच्चों 2 यहां पर हो गया, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 2 लोन पेयर यहां पर हो गए, तीसरा यहां पर हो गया, चौथा पांचवा यहां पर हो गया बच्चों, और छठा यहां पर हो गया, सातवां और आठवां 2 लोन पेयर यहां पर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन N2O3 इज 8। कितना है बच्चों, 8 लोन पेयर इन्वॉल्व है, 8 लोन पेयर इन्वॉल्व है। ये तो हो गया आपका आंसर। तो आप ये बताएं मेरे को कि क्वेश्चन कैसा था आपका, मींस मतलब एडवांस के हिसाब से 2015 के रिस्पेक्ट में। एक और छोटी सी चीज है, अभी बेटा N2O3 का ना हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहां पर है, एक लोन पेयर ये रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, यहाँ के लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया। अच्छा, इसका दूसरा हाइब्रिड बना सकते हो बच्चों, तो ये वाला फॉर्म बना दिया, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो बच्चों यहाँ पर जाएगा और ये पॉजिटिव वाला चार्ज नाइट्रोजन का इधर मूव करने की कोशिश करेगा। फाइनल स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड, कौन से हो गए, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए, और फाइनल वाला हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हो गया बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान था, आपको फाइनल स्ट्रक्चर बनाना होता बच्चों, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाने होते, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया कि आप कैसे कैसे बनाएंगे, इन स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे N2O3 बोला, फटाफट बना दे N2O3। जैसे एक बार N2O5 का भी आया था बच्चों, है ना, N2O5। तो यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लोन पेयर, फिर यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ पे बच्चों कितने लोन पेयर थे, देखो तो यहाँ पे बच्चों कितने लोन पेयर थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 लोन पेयर यहाँ पर हो गए, 2 लोन पेयर यहाँ पर हो गए, तो 3, 2, 5 और 2 लोन पेयर यहाँ पर हो गए, 5, 2, 7, 1, 2, 3, 4, है ना, और 2 लोन पेयर यहाँ पर हो गए, है ना, 2 लोन पेयर बच्चों यहाँ पर होगा, 3 लोन पेयर यहाँ पर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 लोन पेयर यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12 लोन पेयर थे इसमें। कितने थे बच्चों N2O5 में, 12 LP था। तो आपको स्ट्रक्चर सीखना है, N2O3 हो, N2O5 हो, ऐसे ही स्ट्रक्चर कोई पूछता है आपसे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स का पूछता है, जनरली यही पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, 2015 एडवांस में था, आप लोगों ने बच्चों एडवांस की कॉपी बना रखी होगी, उसमें सारी प्रॉब्लम्स को लिखते जाएं, जिस भी प्रॉब्लम में आपको डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, समझ में नहीं आ रहा कोई कॉन्सेप्ट, समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करें, मैं उस पर कोशिश करूंगा
कि आपका जो डाउट है उसको मैं पूरी तरह से सॉल्व कर सकूं। तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतने की।